बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इया कनाबुदु व इया कनस्ताईन। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो पिछले हफ्ते हालात हुए, अफसोसनाक हालात, इसकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं आपके सामने आऊँ। लेकिन सबसे पहले, हमारा वो वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, इसका नारा क्या था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुल्क के जो लोग हैं, और मैं सारा पाकिस्तान फिरा हूँ, चाहे वो गुनाहगार हों, चाहे वो अपने दीन पे सही माने पे अमल करें या ना करें, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दिलों में बसते हैं। इसलिए जब भी कहीं भी दुनिया में उनकी शान में किसी किस्म की गुस्ताखी होती है तो हमें ये तकलीफ़ मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं दुनिया फिरा हुआ हूँ, सिर्फ हमें नहीं तकलीफ़ मिलती, जो भी जहाँ भी दुनिया में मुसलमान बसता है उन सबको तकलीफ होती है। अब पिछले हफ्ते और ये जो अफसोसनाक हालात हुए, एक जमात ने ऐसे लगा ऐसे कि उनको शायद बाकी पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार है अपने नबी से। देखें, वो जो TLP का जो मकसद है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। हम भी उन्हीं की तरह चाहते हैं कि दुनिया में किसी मुल्क में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना हो। सिर्फ हमारा तरीकाकार फ़र्क है। TLP का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा, जब से हम आए हैं, हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में, वो ये है। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे रबते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीका कार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहरमती की जाए, हमारा भी वही मकसद है। तो मैं आज ज़रा तरीक़ेकार के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 1979 के अंदर, नहीं 1990 में, गालिबन 1990 के इर्द गिर्द सलमान रुश्दी ने एक किताब लिखी। उस किताब में उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। पाकिस्तान में पब्लिक सड़कों पर निकली, यहाँ अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक किया और लोगों की शहादतें भी हुई। उसके बाद आप उठा के देख लें कि हर थोड़े सालों के बाद कोई ना कोई मगरब के किसी मुल्क में उनकी शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमानों को तकलीफ़ होती है, कहीं बाहर रिएक्शन भी होता है, या हमारे मुल्क में मुजाहरे भी होते हैं। लेकिन ये हर थोड़े सालों के बाद यही सिलसिला आगे बढ़ जाता है। तो क्या हमने अभी तक कोई फ़र्क पड़ा इस अप्रोच से? यही TLP कर रही है। ये भी ये पाकिस्तान में कह रहे हैं कि मुजाहरे करेंगे हम, और किए हैं उन्होंने, और हम सड़कों पे आ जाएंगे, पहले भी किए हैं, कि अगर हम एक्शन ना लें। अब क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे, क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आज़ादी के राय पे नाम पे। वहाँ उन्होंने ये एक आज़ादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आज़ादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे, क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? और
50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी मईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री बड़ी देर के बाद उठ रही है, नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है। बड़ी देर के बाद रुपया मजबूत होता जा रहा है। जब रुपया ऊपर जाता है तो मसलन पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, बाहर की जो चीज़ें हम उगाते हैं वो सस्ती होनी शुरू हो गई हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं ख़त्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अब हमने इसके ऊपर जब ये हुआ तो मैं पहले ज़रा आपको थोड़ी तफसीर पीछे बता दूँ। ये हम 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, हमारी गवर्नमेंट TLP से मुज़ाकरात कर रही थी, हम उनको यही चीज़ें समझा रहे थे कि इससे नुकसान हमें होने लगा है, उनको नुकसान नहीं होगा, हमारी अवाम को नुकसान होगा। मुज़ाकरात चलते जा रहे थे, उन्होंने कहा जी असेंबली में रखो और असेंबली जो फैसला करती है। हमने फैसला किया ठीक है, हम असेंबली में ये रखते हैं, लेकिन हम फिर देखना शुरू किया कि इनकी मोबिलाइजेशन नीचे हो रही है, इनकी तैयारियां हो रही हैं इस्लामाबाद आने के लिए। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तरफ इस्लामाबाद आने की तैयारियां हैं। फिर अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हमने फैसला किया हुआ था कि हम असेंबली में रखेंगे इस इशू को, तो पता चला कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि जी अब तो फ्रांस का अगर एम्बेसडर आप वापस नहीं भेजेंगे तो हम सारे इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो ये उसके बाद ये हमारी बातचीत टूटी, उसके बाद फिर ये अरेस्ट हुए। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क में। ज़रा ये ज़रा देख लें कि हमने अपने आप को कितना नुकसान पहुँचाया। अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी, उससे जो आवाम को नुकसान हुआ, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं उनमें अमवात हुई, और फिर बाहर से कूद पड़े लोग हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। मसलन प्रोपेगेंडा, जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने जब बताया कि हिंदुस्तान की कुछ 600 साइट्स हैं, फेक साइट्स, मीडिया साइट्स, जिससे वो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ भी हमें पता चला कि 380 हिंदुस्तान के इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज़ चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई कि किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ, साथ वो नून लीग। अब इनसे मैं पूछता हूँ कि जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी,
कितनी दफ़ा उन्होंने किसी फोरम में कहा था कि इसने बड़ा गलत काम किया, मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुँचाई है। कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पे बात की थी। तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतजार फैलाने के लिए। देखें, अब ये मैंने आपको बताया कि एक अप्रोच है कि अपने मुल्क में मुजाहरे करो, अपने मुल्क को नुकसान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रांस को, अच्छा एम्बेसडर वापस भेज दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये सुने कि मेरी अप्रोच क्या है। मकसद तो हमारा एक ही है, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो हर थोड़े सालों के बाद हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई जाती है, इसकी दूसरी अप्रोच क्या है, ये अब सुने मेरी अप्रोच क्या है। देखिए मैं फिर से आपको बताता हूं, मगरब को मैं सबसे बेहतर समझता हूं, मेरी बड़ी जिंदगी गुजरी है वहां, मैं उनकी सोच को जानता हूं। देखिए सबसे पहले जो कोशिश करनी चाहिए, जो हमने की है, और मैं अभी बताता हूं हमने क्या क्या कोशिश की है। अच्छा मैं ये पहले बता दूं, सबसे पहले जून 2019 में 14वीं जो समिट थी OIC की, वो पहली दफ़ा जाके मैंने इस्लामोफोबिया की भी बात की, और मैंने ये बात किया कि जो मगरब के अंदर हमारे प्यारे नबी की बेहरमती की जाती है, कि हम सब मुसलमान मुल्कों को मिलके हम एक प्लान करना चाहिए, कि इकट्ठा अप्रोच करना चाहिए, कि उनको समझाना चाहिए मगरब को। दूसरा मैंने फिर जब सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में गया, उधर मैंने ये उठाया दोनों चीज़ें, इस्लामोफोबिया की भी बात की। इस्लामोफोबिया का क्या मतलब है? इस्लाम के खिलाफ नफरत, और उस नफरत के अंदर एक ये है कि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तो ये एक ही चीज़ इकट्ठे करते हैं ये। तो उधर मैंने बात की यूनाइटेड नेशंस में। फिर अगले साल जो 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली हुई, फिर मैंने इस्लामोफोबिया की बात की, और मैंने कहा कि ये किस तरह 125 अरब लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाती है। फिर यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स बॉडीज़ के अंदर और कमीशन में मेरी गवर्नमेंट ने मुसलसल इस्लामोफोबिया की बात की। फिर मैंने फेसबुक का जो CEO है मार्क जुकरबर्ग, मैंने उसको ख़त लिखा कि कैसे फेसबुक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इस्लामोफोबिया के लिए। और फिर जब ये फ्रांस में हुआ, और जिसके ऊपर ये DLP कह रही है कि फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजें, मैंने सारे मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखा, और मैंने उनको कहा कि हमें जॉइंट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। और अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी ये है कि हम सारे मुसलमान मुल्क के जो हेड्स हैं, हम मिल के मगरब के फोरम्स में, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड नेशंस में, हम उनको ये बताएं कि क्यों हमें तकलीफ होती है जब ये आज़ादी राय, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, क्योंकि उनको ये इस चीज़ की समझ नहीं है। मगरब के अंदर उनके जो पैगंबर हैं, उनको इस तरह नहीं, उनका प्यार और इश्क जिस तरह हमारा है हमारे नबी से है, उनको इस तरह का ना, उनकी इस तरह की इज्जत करते हैं, और वहाँ बल्कि वो दीन को ही उनके इतने करीब नहीं है जितने हम अपने दीन के करीब रहते हैं। इसलिए हमें उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे जब आप मिल के इकट्ठे कलेक्टिवली मुसलमान दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट्स जब हम बात करेंगे, जो मैं ये हर जगह जिन फोरम्स पे कहता गया हूँ, तब उसका असर होगा। दुनिया में थोड़े से यहूदी हैं, लेकिन वो सारे यहूदियों ने इकट्ठे होके दुनिया को, मगरबी दुनिया को बताया है कि जो होलोकास्ट था, जिधर यहूदियों की कत्लेआम हुई थी, उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ कोई मनफी बात ना की जाए कहीं भी, किसी मीडिया पे। आज कहीं भी, आज मगरबी मीडिया किसी मुल्क में होलोकास्ट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। 4 यूरोपियन मुल्क ऐसे हैं जिधर जेल में डाल देते हैं अगर आप होलोकास्ट के खिलाफ कोई मनफी बात करें। तो क्या हम ये नहीं उनको बावर करवा सकते कि हमें कितनी तकलीफ पहुंचती है? और ये सिर्फ, और ये हम तब करेंगे जब हम कलेक्टिवली मिलके करें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि मैं मगरब को समझता हूं, उनको समझ ही नहीं है इस चीज़ की।
जब हम प्रोटेस्ट करते हैं, जब हम मुजाहरे होते हैं, वो समझते हैं मुसलमान आज़ादी राय के खिलाफ है, और वो फिर बजाय उसको समझने के वो फिर और कोई जान के शरारत करते हैं हमें तकलीफ देने की। इसलिए पहला तो ये चीज़ है। और दूसरा मेरा जो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये, दूसरा तरीका क्या है कि जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा, इस तरह हम अपने अपना जो हम मकसद है इस पर पहुँच सकते हैं। मैंने आपको दो मकसद बताए, एक ये TLP का मकसद है, हम सारी ज़िंदगी भी लगे रहें हम अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाते रहेंगे, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा उनको। जो मैं कैंपेन कर रहा हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यही तरीका है कि इंशाल्लाह एक दिन उनको समझ आ जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। मैं आज आप सबके सामने कहता हूँ कि मैं जिम्मेदारी इसकी लेता हूँ, मैं ही इसे कैंपेन को लीड करूँगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा, अपने मुसलमानों को मायूस नहीं करूँगा। हम इंशाल्लाह उनको ये एक दिन समझा देंगे कि जिस तरह अगर वो यहूदियों के लिए सेंसिटिव हैं, उनकी उनको तकलीफ नहीं देना चाहते, तो हम तो सवार अब मुसलमान हैं, हमारे भी दिल हैं, हमें भी तकलीफ़ होती है। और जैसे ही जैसे उनको इस चीज़ की समझ आ गई, ये हम अपना मकसद पे पहुंच जाएंगे। आखिर में मैं अपने उलमा उनको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें हमारे साथ मिलके, मेरे साथ मिलके मेरी तायद करनी चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें ये जो हो रहे हैं हमारे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, इससे तकलीफ पहुंचती है। हमारी पुलिस से जो हुआ है, 800 पुलिस इंजर हुई है, उनको कई अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो इससे किसको फ़ायदा हुआ है? क्यों हिंदुस्तान की ये जो वेबसाइट्स हैं जो इसके अंदर कूद पड़ी हैं, ये दुश्मनों को फ़ायदा हुआ है? कौम को क्या फ़ायदा हुआ इससे? कौम को तो सिर्फ नुकसान हुआ है, और जो मकसद है हमारा उससे तो इस पर नहीं पहुँच रहे हम। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को, जो हम मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें, जुर्म कहीं और हो, हम अपने ऊपर खुदकुश हमला कर दें, ये कौन सी अकल और समझ है? तो मैं आप सबको कहूँगा, अपनी कौम को कहूँगा कि ये टाइम है इकट्ठे होने का। हमारा मुल्क बड़ी मुश्किलों से एक उस तरफ निकल रहा है कि हम अब ऊपर आने वाले हैं, हमारी मईशत उठ रही है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, हमारा रुपया मजबूत हो रहा है, हमारा मुल्क का डायरेक्शन ठीक है। तो ये टाइम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ हमारे मुल्क के दुश्मन हमें नुकसान पहुंचाएंगे। हम सबको अब इकट्ठे होके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ये 2 साल बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, हालांकि हमारे पास इस वक्त कोरोना का एक तीसरा एक वेव आया हुआ है, उसके ऊपर हमें सबको मिल के SOPs पे चलना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें इस मुश्किल से भी निकाल दे, और फिर उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 2 साल के बाद एक कौम, हमारी मायशत उठ रही है, तो हम उसको नुकसान ना पहुँचाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद।